तो आज ऐतिहासिक दिन है अगर हम फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से देखें या सनीपाजी के लिहाज से देखें या गदर के लिहाज से देखें। आज वो दिन था जब 23 साल पहले दो बड़ी फिल्मों का बड़ा क्लैश हुआ था और क्या टक्कर हुई थी उस समय में और क्या चर्चा हुई थी उस समय में। बहुत सारी जो नई जनरेशन के लोग हैं शायद उस समय का उन्हें याद भी नहीं होगा, उनको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो क्लैश उस वक्त का सबसे बड़ा क्लैश था। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। देखिए, क्लैश होना बड़ा नेचुरल है, बड़ा स्वाभाविक है कि चीज़ों के क्लैश होते हैं आपस में। दो चीज़ें किसी स्पॉट के लिए कंपीट करेंगी तो क्लैश भी होगा। और यहाँ बात हो रही है 23 साल पहले की, यानी 15 जून और 2001 की। ठीक है जी, एक तरफ थी गदर और एक तरफ थी लगान। गदर सनीपाजी की मूवी और दूसरी तरफ थी लगान, और दोनों का क्लैश 15 तारीख को हुआ था और उसका जो रिजल्ट रहा वो आप सबको मालूम है, और नहीं मालूम है तो आपको एक बार याद दिला देता हूँ। कम बजट की फिल्म थी जो थी गदर, 18 करोड़ के करीब का बजट था और 132 करोड़ उसने कमाए थे। लगान जो है वो थोड़ा ज़्यादा बजट की थी, 25 की, और करीब 58 करोड़ उसने कमाए थे। मोटा मोटा मतलब जितना मतलब मेरी मेमोरी में है, थोड़ा ऊपर नीचे फिगर हो सकती है, लेकिन मोटा मोटा ये है कि ज़्यादा मुनाफेदार रही थी गदर, ज्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी गदर, ज्यादा बड़ा फुटफॉल था गदर का। और क्यों था, उसके पीछे सिर्फ मतलब फिल्म का क्राफ्ट नहीं था। जब आप लगान को याद करते हैं तो फिल्म के क्राफ्ट की वजह से याद करते हैं, मतलब क्या स्टोरी जिस तरह बुनी गई, जिस तरह कहानी रची गई। लेकिन जब गदर की बात करते हैं तो आप प्योर इमोशन की बात करते हैं, मतलब वो इमोशन जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था। एक तरफ उसमें 1947 का बंटवारा दिखाया गया था, वो दर्द दिखाया गया था, वो तकलीफ दिखाई गई थी लोगों की, और फिर उसके बीच में एक प्रेम कहानी दिखाई गई थी, और वो प्रेम कहानी में अपने प्यार को वापस पाने के लिए पाकिस्तान से लड़ जाता है। और फिर सनी देओल का वो हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन, भाई साहब वो तो आइकॉनिक सीन है, आज तक आइकॉनिक सीन है। उस वक्त के गाने इतने आइकॉनिक, इतने शानदार गाने कि आज जब गदर 2 आई इतने साल बाद में तो बम्पर ब्लॉकबस्टर हिट हुई, ये सब आप जानते हैं, इतिहास का हिस्सा बन चुका है बॉलीवुड का भी। लेकिन मजेदार चीज जो बात हो रही है वो ये है कि भाई 23 साल बदल गए लेकिन हालात वैसे के वैसे रहते हैं। मतलब अब सनी पाजी फिर से फॉर्म में आ गए हैं, फिर से उनकी फिल्में लाइन लग गई है और फिर से एक के बाद एक चीजें अब सामने आती जा रही हैं। लेकिन चलिए आज गदर से जुड़ी कुछ मजेदार बातें करते हैं। ये तो आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी शायद अंदाज लग जाएगा कि गदर की कहानी जब लिखी जा रही थी तो ये गदर ये नहीं बनने वाली थी जो बन रही है, वो पार्टीशन पे कहानी बनने वाली थी। और अनिल शर्मा बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे उस पार्टीशन की कहानी को बनाने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर हुआ ये कि जब कहानी बनाने लगे तो जो राइटर साहब हैं शक्तिमान जी, वो एक नई कहानी लेके आए। वो उस कहानी का सब प्लॉट था, मतलब छोटा हिस्सा था। फिर जब उन्होंने वो कहानी सुनी तो अनिल शर्मा का दिमाग घूम गया, यार ये तो मतलब अनिल शर्मा की खासियत है, जब जब वो मतलब दिमाग उनका चलने लगता है तो खड़े हो जाते, घूमने लगते हैं, तो घूमने लगे अपने कमरे में खड़े खड़े। तो वो कहानी थी बूटा सिंह की कहानी। ब्रिटिश आर्मी के अंदर एक सिख सोल्जर थे, उनको एक मतलब मुस्लिम लड़की से प्यार होगा जो पार्टीशन के बाद विदेश चली गई। वो पूरी कहानी आप मतलब आपकी नज़रों में आई होगी पहले भी। तो वो बूटा सिंह की कहानी जब आई तो उनको मतलब वो जो पार्टीशन की कहानी थी वो बैकड्रॉप में चली गई, और जो ये बैकड्रॉप की कहानी थी ये लीड स्टोरी बन गई। इस तरह करके वो पूरी कहानी चेंज हो गई। उसके बाद में जी वालों को कहानी सुनाई गई, सुभाष चंद्र जी को, उन्होंने 5 मिनट के अंदर तुरंत परमिशन दे दी कि हाँ भाई पैसा लगाने को तैयार हूँ, तुम बनाओ। और बताते हैं कि वो खुद बताते हैं कि अनिल शर्मा की जब उन्होंने सनी देओल को ये कहानी सुनाई तो सनी देओल बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके मन में, और वो बहुत देर तक सुनते रहे। फिर 2-3 घंटे बाद उन्होंने यस कहा कहानी के लिए। तो इस तरह गदर की कास्टिंग शुरू हुई। अब मजेदार चीज है जिसकी हम बात कर रहे थे, क्लैश की। देखिए, क्लैश कई बार नेचुरल भी होता है, कई बार इगोइस्टिक की वजह से भी होता है, और कई बार हालात की वजह से भी होता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे कि मतलब एक शख्स हैं जो अभी चाचा चाचा करके आरोप लगा रहे हैं, वो आधे वीडियो तो मेरे ही देखते हैं, मुझे पता है। तो खैर, तो अब सवाल ये है कि वो क्यों, उनको एक जैसे ही मैंने डाला कि 1 करोड़ व्यूज, तो उनको इस बात से मिर्च क्यों लगी, ये आप सब समझदार है ऐसा ही। लेकिन क्या मतलब उस तरह से जवाब दिया जाए जिस तरह वो सवाल कर रहे हैं, चांस ही नहीं। जवाब देना चाहिए अनिल शर्मा टाइप। कैसे, चलिए अभी क्या है, अभी कुछ दिन पहले क्लैश पड़ा, बहुत भयंकर गंदा वाला क्लैश हुआ था गदर 2 को लेकर। तो भाई अमीषा पटेल ने आरोप लगाया अनिल शर्मा पर कि भाई अनिल शर्मा पूरी फिल्म के अंदर हिडन एजेंडा चला रहे थे। वो तो
मैं सनी देओल हैं और मैं हूं जिन्होंने बचा लिया फिल्म को, ये उनका आरोप है। उनकी बातों में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सिरे से गलत बोल रही हैं, क्योंकि जो खबर है हमारे पास भी वो ये है कि थोड़ा सा उत्कर्ष को आगे बढ़ाने का था, जीतू का जो करेक्टर था और बड़ा होना था, लेकिन लेकिन फिल्म तो तारा सिंह और सकीना की है डेफिनेटली। तो इस कहानी इस चीज को लेके जो बवाल था दोनों के बीच में, जितना मुझे मालूम है, जितना मतलब खबर है, लेकिन सोर्सेज से खबर है, मतलब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कितना हुआ, लेकिन हाँ फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, मतलब राइट सोर्स ने जितना मुझे बताया, नाम नहीं ले सकता मैं इसलिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कहानी इसको लेके कुछ हिली थी आपस में, मन मुटाव हुआ था शूटिंग के दौरान, बहुत ज्यादा हुआ था। गदर 2 की शूटिंग वैसे नहीं हुई जैसे गदर 1 की हुई। अमीषा पटेल ने खुल के आरोप लगाया, लेकिन हुआ क्या, अनिल शर्मा के सामने जब ये बातें आई तो अनिल शर्मा ने क्या जवाब दिया, कहते हैं अनिल शर्मा कहते हैं हाँ जब हम कास्टिंग कर रहे थे तो अमीषा पटेल को हमने लिया, हमने 300-400 लड़कियों का हमने कास्टिंग की थी, लेकिन पसंद नहीं आ रहा था, हमेशा पसंद आई लेकिन उनको हिंदी बोलने भी नहीं आती थी, विदेश का लहजा था, डायलॉग डिलीवरी नहीं आती थी। फिर उन्होंने 5-6 महीने मेरे घर में रुक के वो डायलॉग डिलीवरी पे काम किया, डायलॉग सीखे, और फिर उनको हमने शूटिंग शुरू करी, कास्टिंग शुरू करी। यार मतलब सॉरी, लेकिन भिगो के लिए यार, भिगो के बैंड बजाया है, मतलब इतने प्यार से इतना बड़े आरोपों का जवाब ऐसे देना कि अमीषा पटेल 6 महीने मेरे घर में रुकी और मेरे से डायलॉग बोलने नहीं आते थे और ये सब, बाप रे, मतलब ये होता है, मतलब सलीके से मतलब जवाब दे देना। तो भाई हर आरोप का जवाब दिया जाए ये जरूरी नहीं है, और मतलब खासकर उन लोगों के आरोप का जवाब दिया जाए जो मतलब खुद के, जिनके वीडियोस नहीं चलते हैं वो आरोप लगा लगा के अब थोड़े टीआरपी पाना चाहते हैं, तो भाई स्वागत है आप करो, मैं आपका नाम भी नहीं लूंगा, फ्री की पब्लिसिटी मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। तो कुछ ऐसा ही क्लैश, ये क्लैश की बात थी, क्लैश की बात कहाँ से, लगान और गदर से, वहां पर भयंकर क्लैश था, दो बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन आज नतीजा क्या है इतने साल बाद में, ठीक है जी, आज नतीजा 23 साल बाद में क्या नतीजा है, वही आमिर खान है जिन्होंने क्लैश किया था, वही आमिर खान अपने प्रोडक्शन हाउस में सनी पाजी को रोल ऑफर करते हैं जिसकी शूटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है, लाहौर 1947 जो जनवरी में आने वाली है और जिसका बेसब्री से इंतजार किया है। क्लैश में किसी का फायदा होता नहीं है, चाहे वो अमीषा पटेल और अनिल शर्मा हो, चाहे आमिर खान और सनी देओल हो, या कोई भी हो, चाचा भतीजा जो भी हो। तो लीजिए आप बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, और प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जनगणमन रिएक्ट्स। और एक चीज़ और, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 1 करोड़ के पार पहुंच गए सर जी, 1 करोड़ के पार हमारे व्यूज, थैंक्स टू यू थैंक्स टू यू, थैंक यू।